क्या आपको भी लाइफ में बहुत सारी चीजें करनी है बट आपको टाइम नहीं मिलता है, या आप लाइफ में बहुत सारी चीजें ऑलरेडी कर रहे हैं बट कोई आपसे जब पूछता है कि आप इतनी सारी चीजें करते कैसे हो, आपके पास कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं होता है? वेल, इन दोनों सवाल का जवाब मिल सकता है मैथ्यू डिक्स की इस बुक समडे इज टुडे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे लेसन्स जो कि आपकी लाइफ को बदलने की क्षमता रखते हैं। तो स्टे ट्यून टिल द एंड। मैथ्यू डिक्स जो कि एक सेलिब्रेटेड ऑथर है, उन्होंने बहुत सारी फिक्शन बुक लिखी है, उन्होंने कई सारी नॉन फिक्शन बुक लिखी है, वो 45 टाइम्स मौत स्टोरी टेलिंग चैंपियन है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर हैं, गोल्फर हैं, वेडिंग नाइट डीजे हैं एंड उसके अलावा बहुत सारे काम करते हैं। उनसे अक्सर लोग ये पूछते हैं कि हाउ डू यू मैनेज ऑल द थिंग्स दैट यू डू, आप ये सारी चीज़ें करते कैसे हैं। मैथ्यू डिक्स से ये सवाल बहुत बार पूछा गया तो उन्होंने फाइनली एक बुक ही लिख डाली जिस बुक का नाम है, जैसे मैंने बोला, समडे इज टुडे। इस बुक में उन्होंने 22 ऐसे टिप्स, 22 ऐसे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं जिसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके ज़्यादा टाइम कमा सकते हैं या वो चीज़ें कर सकते हैं जो आप हमेशा से करने चाहते थे। जब मैं इस बुक को रिव्यू कर रहा था, पढ़ रहा था, तो मुझे लगा मैं ऐसी कौन सी 5 कॉन्सेप्ट जो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ ताकि आपको भी अपनी लाइफ से ज़्यादा करने का पावर मिल सके। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जो पहला कॉन्सेप्ट जो कि चैप्टर 1 भी है इनकी बुक में, विच इज़ 100 ईयर ओल्ड प्लान, 100 साल का। तो मैथ्यू डिक्स कहते हैं कि इमेजिन करिए जब आप 100 साल के हो गए हैं, यू आर 100 ईयर ओल्ड, उस टाइम पे जो आज आप डिसीजंस ले रहे हैं क्या आप उसको प्राउड फील करेंगे या आप उसको रिग्रेट करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर आपने जेफ बेजोस को भी सुना होगा, ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट समथिंग कॉल्ड रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क, वेयर ही सेज कि अगर मैं कोई भी डिसीजन लेने हैं जिसमें 2 या 3 डिसीजन ऐसे हैं जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सा लेना है, देन आई थिंक अबाउट माई 80 or 90 year old वर्जन एंड उसमें से मैं देखता हूँ कि मैं किस में कम रिग्रेट करूँगा। सो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि थिंक अबाउट कि अगर आप 100 साल के हो गए हैं, जो भी आपकी एज अभी, और जो आप अभी डिसीजन ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं या किताब पढ़ रहे हैं या किताब लिख रहे हैं या कोई कोर्स कर रहे हैं, ये सारे जो 4-5 चीज़ें हैं उसमें से कौन सा ऐसा चीज़ होगा जो आपका 100 year old वर्जन प्राउड करेगा और कौन सा ऐसा होगा जो वो रिग्रेट करेगा, एंड दैट विल हेल्प यू डिसाइड कि आपको इस टाइम पे करने की क्या जरूरत है। ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, थोड़ा अटपटा सा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है स्टार्ट करना। आई एम होपिंग टू स्टार्ट दिस, आई एम लर्निंग दिस, तो आई ऑल्सो सजेस्ट यू कि आप भी इमेजिन करिए जब भी कोई बड़ा डिसीजन ले रहा है कि 100 year old के आप जब हो गए तो क्या आप उस डिसीजन से प्राउड होंगे या आप उस डिसीजन पे रिग्रेट करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू कॉन्सेप्ट नंबर 2। जो सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने पिक किया जो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, जिसको वो कहते हैं द ईगल एंड द माउस, यू नो, ईगल और माउस, एंड ही सेज कि द डिफरेंस बिटवीन ईगल एंड माउस इज कि ईगल, माउस जो होता है अपना टाइम छोटी छोटी चीजों पे, छोटी छोटी जगहों पे बिताता रहता है, बट जो ईगल है ही हैज़ अ बिगर विजन, ही हैज़ अ बिगर पिक्चर। दैट्स वॉट ही सेज कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, हैव द बिग पिक्चर इन माइंड। छोटी छोटी चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने की जगह पे कि मैंने, फॉर एग्जांपल, आई नो बहुत सारे, कई सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो कि स्पेलिंग मिस्टेक को लेके बहुत ही ज़्यादा क्रीप हो जाते हैं कि अरे ये एक लेटर इधर से उधर क्या हो गया, ये फॉन्ट ऐसा क्यों हो गया। आई नो मेरे कुछ बॉसेस रहे हैं जो कि डेटा एनालिसिस पैरालिसिस में बिलीव करते हैं, वो 4-4, 6-6 घंटे डेटा ही एनालाइज करते हैं। Matthew Dick says that don't waste time on that. Look at the bigger picture. आपको बड़ा क्या करना है and think from that perspective. You don't always have to go into deep detail for every single thing. और जब आप ये concept apply करते हैं तो आपको अपनी life में ज़्यादा time मिलने लगता है. So be a eagle, not a mouse. That is the concept number 2. Let's move on to concept number 3. So concept number 3 है again one of my favorite concept personally as well. And that is called say yes. मेरा personal favorite quote is say yes and then figure it out. मैं जब public speaking seminar करता हूँ या लोगों को storytelling करता हूँ, I tell them कि अगर आपको कोई भी opportunity मिल रही है बोलने की, comment करने की, communicate करने की या कुछ भी करने की, ऐसी जो भी चीज़ जो आप कभी vision करते हैं कि मुझे ऐसा करना है और वो आपके सामने opportunity आती है, then first say yes and then figure it out. क्योंकि अगर आपने no बोल दिया तो वो opportunity चली जाएगी. And Matthew Dicks कहते हैं कि इस chapter में वो बात करते हैं कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें अपने life में की हैं क्योंकि उनके सामने जब भी कोई नई opportunity आई which was aligned to his values, he always said yes.
इवन इफ ही डिडंट नो, चाहे वो वेडिंग डीजे की बात हो, चाहे वो गोल्फ खेलने की बात हो, या बहुत सारी कॉन्सेप्ट की बात करते हैं. सो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज से यस टू थिंग्स. सो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू डिस्कस अबाउट. सो चौथा और सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैं बात करना चाहता हूँ दैट इज अबाउट नो योर स्टोरी, टेल योर स्टोरी एंड लिसन टू योर स्टोरी. कई बार हम लोग लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं, इतनी सारी चीजें करने लगते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हमने क्या क्या चीजें अचीव की, हमने क्या क्या मिस किया है. वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि हम अपनी स्टोरी को बोल रहे हैं, अपनी स्टोरी को बता रहे हैं और अपनी स्टोरी को सुन भी रहे हैं. आई हाईली रिकमेंड मैथ्यू डिक्स की जो दूसरी बुक है स्टोरी वर्दी, आप उसको बाय करिए. दैट इज एन अमेजिंग इनक्रेडिबल बुक. मैं उसको पढ़ चुका हूँ एंड दैट इज वाई आई इनवाइटेड हिम टू माय चैनल, व्हिच वाज अ प्रिविलेज. एंड उसके अलावा इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बी पार्ट ऑफ अ वाइब्रेंट कम्युनिटी ऑफ स्टोरी टेलर्स, ज्वाइन माय नेक्स्ट वेबिनार व्हिच हैपेंस ऑलमोस्ट ऑन वीकली बेसिस एंड वी कैन टॉक अबाउट हाउ यू कैन बी पार्ट ऑफ द कम्युनिटी. बट लव द कॉन्सेप्ट, नो योर स्टोरी, टेल योर स्टोरी एंड लिसन टू योर स्टोरी. लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ एंड द फाइनल कॉन्सेप्ट दैट आई वांट टू डिस्कस. तो जो पांचवा और फाइनल कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड क्रिएटिविटी can't abide preciousness. Now, क्या होता है कि कई बार हम लोग कुछ भी लाइफ में करने के लिए इतने सारे conditions लगा देते हैं कि हम उस पे काम नहीं कर पाते हैं. For example, Matthew अपनी बुक में कहते हैं मैट कि एक बार उनका डेंटिस्ट के यहाँ अपॉइंटमेंट था और जब वो डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट के लिए गए तो उन्होंने देखा काफी भीड़ है, थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो अपने कार के बाहर आए, उन्होंने कुछ लिखना स्टार्ट कर दिया एंड सडनली उनकी एक फ्रेंड आई, बोली ये क्या कर रहे हो, एंड ही सेड दैट आई एम राइटिंग अ फ्यू लाइंस फॉर माय नेक्स्ट बुक. एंड उस टाइम पे उसकी फ्रेंड्स ने कहा आई डिडंट इमेजिन, मैंने सोचा नहीं कि तुम यहाँ पे लिखोगे. एंड दैट इज वेयर मैथ्यू पिक दिस कॉन्सेप्ट. कई बार हमें लगता है कि अगर हमें बुक लिखनी है तो हमें एकदम सिक्लूडेड प्लेस पे जाना होगा, दुनिया से बंद करना होगा, या हमें कुछ कोर्स बनाना है तो उसके लिए हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के हमें वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफर वीडियोग्राफर चाहिए. नॉट रिक्वायर्ड. क्रिएटिविटी के लिए आपको हर समय प्रीसियसनेस नहीं चाहिए, हर समय आपको सिक्लूजन नहीं चाहिए. आपके पास जो भी टाइम है, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, आप उसमें भी अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं. आई होप दिस कॉन्सेप्ट वॉज आई ओपनिंग फॉर मी. आई होप कि आपको भी पसंद आया हो. सो लेट्स डू अ क्विक समरी ऑफ ऑल द 5 concepts. सो इन टोटल इस बुक में 22 कॉन्सेप्ट हैं और जो 5 concept मैंने आज आपके साथ शेयर किए वो हैं क्रिएटिंग अ 100-year-old plan. एक आप जब अपने आप को इमेजिन करते हैं 100 साल का, तो जो आप अभी एक्शन ले रहे हैं क्या वो 100 साल का आपका वर्जन उसके लिए प्राउड करेगा या उसके लिए रिग्रेट करेगा. तो दैट इज कॉन्सेप्ट नंबर 1. कॉन्सेप्ट नंबर 2 वॉज द ईगल एंड द माउस. आप छोटी छोटी चीजों पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, एनालिसिस पैरालिसिस पे वेस्ट कर रहे हैं, या आप बिग पिक्चर पे वर्क कर रहे हैं. नंबर 3 वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ से यस, इवन इफ यू डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू से यस टू अपॉर्चुनिटीज एंड देन फिगर इट आउट. नंबर 4 वॉज Know your story, tell your story and listen to your story. अपनी स्टोरी के बारे में सोचिए, अपनी जर्नी के बारे में सोचिए, लोगों को बताइए और लोगों से सुनिए. एंड 5वां और फाइनल कॉन्सेप्ट जो मैंने डिस्कस किया वो था क्रिएटिविटी कांट अबाइड प्रीसियसनेस. क्रिएटिव होने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है. यू कैन बी क्रिएटिव इन योर ओन वे. जो ये 22 कॉन्सेप्ट हैं ये कम्प्लीटली आई ओपनिंग थे मेरे लिए. मैंने एक एक चैप्टर को बहुत इंजॉय किया है. सो आई हाईली रिकमेंड. एंड द आइसिंग ऑन द केक वॉज कि एंड ऑफ द बुक में उन्होंने एक पूरा एक्शनेबल कॉन्टेंट दिया हुआ है जो कि आप यूज करके हर कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं. हाईली रिकमेंडेड. इट्स अ फनी इंस्पायरिंग विटी बुक. हाईली रिकमेंडेड. एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और बुक रिव्यूज बनाऊं, प्लीज टाइप इन द कॉमेंट. थैंक यू सो मच.